आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोविड-19 के प्रकोप से प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश किया है। इस दौरान लॉकडाउन को लेकर शाहगंज बाजार के व्यापारियों ने जिला प्रशासन से ऑड इवन के आधार पर बाजार न खोलकर सप्ताह में 5 दिन बाजार खोलने की मांग की है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना प्रकोप के चलते जो है प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, तो वहीं प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के बाद एक नए नियमावली बनाई है जिसमें 2 दिन का प्रत्येक सप्ताह जो है लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। उसी को लेकर अगर बाजारों में बात की जाए व्यापारियों से तो उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। तो जिस तरीके से जो नियम लागू हुए हैं 2 दिन की जो है लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है तो उसको लेकर व्यापारियों का क्या कहना है? हम व्यापारियों को यही कहना है कि जैसे हम लोगों से कहा गया कि 2 दिन आपको बंदी रखनी है तो हमने 2 दिन बंदी रखी और सारे नियमों का पालन किया, लेकिन 70 दिन का जो लॉकडाउन था उसके बाद में हम लोगों ने अपनी स्थिति को थोड़ा बहुत सुधारा और फिर ये 2 दिन का लॉकडाउन हो गया। तो ये कोई नहीं, 2 दिन की बात वाली बात तो अच्छी है कि अभी ये निर्देश आ रहे हैं, अभी ये फाइनल नहीं है कि 2 दिन सप्ताह में बंद रहेगा, लेकिन आगे अगर लंबा लॉकडाउन रहेगा तो इसमें मध्यम वर्ग को और नीचे वर्ग को उसमें बहुत परेशानी होगी। जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं उन लोगों के लिए बहुत परेशानी है, वो कैसे अपने क्या नाम है इनकम को मेंटेन रखेंगे। अब तक जो जिस तरीके से लॉकडाउन जारी रहा है तो क्या क्या दिक्कतें हैं और किस जो परेशानी है उनका क्या क्या मतलब आप लोगों के सामने आई? इसमें यही आई है कि हम लोगों को हमारे जो नीचे वर्कर लगे हुए हैं हमें उन लोगों को समझना है, उनके हिसाब से जो डेली उनका खाने वाने का वो है सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, उनके लिए व्यवस्था करनी थी। अब दोबारा परेशानी आती है तो हम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी है। जो फैसला लिया गया है 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का, तो वो ठीक माना जाए या जैसे कि कोरोना का संक्रमण तो बढ़ ही रहा है जिसके चलते ये जो फैसला लिया गया है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हफ्ते में अगर 2 दिन का क्या नाम है बंदी का रखा हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। एक दिन खुलता है, 1 दिन बंद रहता है, उससे तो ये अच्छा है कि 2 दिन बंदी रहती है। और हम प्रशासन से सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 दिन का लॉकडाउन रखा है वो अच्छी बात है, लेकिन 5 दिन जो दुकान खोलने के आदेश हैं तो वो दोनों तरफ का खोले, इवन और ऑड का सिस्टम थोड़ा ख़त्म हो जाए। वही सारी चीज़ें हैं जो लोग हैं उनका कहना है कि जो प्रशासन के जो ऑड इवन वाला जो फार्मूला चालू किया था वो बंद कर दिया जाए जिससे कि जो 5 दिन की जो खुलने की जो व्यापार खुलने के जो दिन चयनित किए गए हैं उन दिनों पर जो है बाज़ारों को खोला जाए, जभी जो है ग्राहक जो है बाज़ारों तक पहुँचेगा और एक आर्थिक जो स्थिति पैदा हो चुकी है उससे उभरने का जो है व्यापारियों को मौका समय मिलेगा। तो किस तरीके से जो लॉकडाउन को जो 2 दिन का लगाने का जो तय किया गया है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बढ़िया निर्णय है ये, तो 2 दिन का जो लिया गया है निर्णय, अगर 1 दिन खुलता है 1 दिन बंद होता है तो इससे क्या है कि एक ही तरफ के भीड़ बहुत ज़्यादा जुटती है और ताकि इससे दुकानदार को भी काफ़ी परेशानी होती है और ग्राहक को समझने के लिए तैयार नहीं होता, तो जो भी परेशानी आती है सब दुकानदार को ही झेलनी पड़ती है। अगर हफ्ता में अगर 2 दिन का है बंद का प्रावधान तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दुकानें जो हैं ऑड और इवन का है वो एक साथ खोली जाएँ ताकि भीड़ का आराम से ख़रीदारी कर सकते हैं। वो एक दुकान की जगह जहाँ 10 दुकानें खुलेंगी तो भीड़ बल्कि घटेगी, वह एक ही जगह इकट्ठित नहीं होगी ताकि जिससे काफ़ी सारे सुविधाएँ मिलेंगी ग्राहक को भी और दुकानदार को भी। तो वही सारी चीज़ें हैं, बाज़ारों में भी लोगों का वही कहना है कि जिस तरीके से निर्णय लिया गया है 2 दिन का लॉकडाउन वो तो सही है, लेकिन जो बाज़ार खोलने की बात कही गई है 5 दिन बाज़ारों को खोलने की बात कही गई है उसी को लेते हुए ऑड इवन जो फार्मूला जो अपनाया गया था उसको ख़त्म करना होगा, तभी दोबारा जो व्यापार है जो व्यापारी हैं वो लोग उभर पाएंगे। अपने सहयोगी रामेश्वर के साथ संदीप शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।